क्या कहते हैं, मैं बोटिंग कर रहा हूँ, अभी आपको पता चल गया होगा। तो पूरे नैनीताल का जो सीरीज है उसमें मेरे ऐसे वाले व्लॉग कम रहेंगे और सिनेमैटिक शॉट ज्यादा रहेंगे। ये घूम रहे हैं मेरे साथ और क्या कहते हैं, मैं बोटिंग कर रहा हूँ, अभी आपको पता चल गया होगा। तो बोटिंग का यहाँ पर फुल राउंड का रेट्स कुछ 210 रुपीज़ है और 160 हाफ राउंड का है। तो बस लेक के भी आपको सिनेमैटिक शॉट डालूंगा, मैंने गोप्रो से भी शॉट्स लिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स आए हैं, तो उसे इन्जॉय करेंगे। आगे तक का पूरा जो राउंड है वो फुल राउंड का है और इस मंदिर से पहले पहले जहाँ है केव गार्डन में, इतने साल नैनीताल में रह लिया पर यहाँ एक बार भी नहीं आया। 60 रुपीज़ की टिकट है एडल्ट की और 30 रुपीज़ है चाइल्ड की। कई सारी इसमें केव्स हैं, जो केव गार्डन यहाँ पाएंगे। चलो भाई चलो, एक मेरा हाथ से और लियो इधर, शिखर इधर जाने के लिए जा रहा है तू। जैसे मैं जाऊँ ना तब चल, निकल निकल निकल, बैठ के भाई आ जाओ, बुल राइड भाई, बुल राइड में ऐसे करोगे 60 एक्स्ट्रा, नो वन कैन रेजिस्ट ऑन दिस। शिट, मैं रिकॉर्डिंग करता करता चल रहा हूँ और स्टेप्स मुझे दिख ही नहीं रहे। पाषाण पाषाण हेयर हेयर शिखर हेयर टाइगर और पैंथर, चलो शिखर टाइगर केव, टाइगर केव देखो भाई, ऐसा कुछ है, माइंड योर हेड प्लीज, बहुत शार्प शार्प पत्थर है, देखते हैं गोप्रो लो लाइट में कैसा काम करता है। देखो भाई यहाँ से निकलना है, देखो
आओ भाई सब आओ साथ साथ तब मजे आएंगे। आ जाओ। कुछ नहीं है ये हम आ गए बाहर टायर केव के, इधर से पैंथर केव है, ये दोनों पैंथर केव और टायर केव कनेक्टेड है, इधर से एग्जिट। आओ चलें। वो टाइगर गेट की एग्जिट है, आओ। This is adventurous. आना चाहिए तो पहले भी। आजा। ज़्यादा मोटे लोग नॉट रिकमेंडेड। इधर को ऐसे निकलना पड़ेगा यहाँ से, बस आगे। तो ये हो गई पैंथर केव की एग्जिट, चार केव और बची हैं। टाइगर केव और पैंथर केव हो गई हमारी, अभी चार केव, पॉर्क्यूपाइन, बैट्स, फ्लाइंग एप्स, एप्स केव, एप्स केव, एप्स क्या होता है, एप्स केव, कमेंट में बताना। एप्स को एप्स लिखा है, लंगूर। वो समवन इज टेकिंग बुल राइट, समवन इज राइडिंग ऑन द बुल। नाउ इज गोना डू इसको गिर के, ये गिर जाए तब जाएंगे हम। मैं तो बहुत जल्दी गिर जाऊंगा। इसके अलग से पे करने पड़ेंगे 60 rupees इंक्लूडिंग GST। ये देखो कितना अच्छे तरीके से मतलब प्लास्टिक को यूज करा है, इतना अच्छा तरीका है, देखने भी अच्छा लग रहा है। फ्लाइंग फॉक्स ₹60। यहाँ पर क्या कहते हैं, केव के अलावा ये कई सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज भी हैं। ये देखिए, दिस वॉज द फ्लाइंग फॉक्स। मास्क नहीं उतार सकता मैं, 500 rupees का फाइन देना पड़ेगा। बस चले, प्रॉक्यूपाइन की है। अबे अंदर जानवर थोड़ी होंगे। अबे नहीं मतलब छोटी होगी, और नहीं बहुत ज्यादा छोटी होगी, प्रॉक्यूपाइन छोटी जगह भाई। लंबे लोग आ सकते हैं बट मोटे लोग नहीं, मतलब मोटा मतलब ओवर वेट यार, ज्यादा मतलब मैं इसे किसी को वो नहीं कर रहा मोटा पतला, बट फंस जाओ तो क्या फायदा, दिक्कत आपको ही आनी है अल्टीमेटली। ओह माय गॉड,
भाई घुटने टिका दिए। मजे आ गए भाई, इसमें मजे आ गए। घुटने टेकने पड़ गए भाई। मेरी हाइट कुछ 5'10" समथिंग, 5'11" समथिंग है, आप लोग आइडिया लगा लेना। वेट मेरा नहीं बताऊंगा, 80 है यार। मैं कोई आपको भी पतला नहीं हूँ, अच्छा खासा बॉडी वेट है मेरा। और छोटी के पॉर्क्यूपाइन छोटा बैट, अब जाएंगे बैट स्केप में। दिस इज एडवेंचरस। ये मुझे लग रहा है थोड़ी छोटी है, कह करके फंस मत जाना। एंड आई थिंक आई हैव टू पुट माई GoPro डाउन बिकॉज देयर इज नो स्पेस। बैट्स केव और एप्स केव इतनी ज़्यादा छोटी थी कि मैं कैमरा रख के अंदर चलना पड़ा, कैमरे के साथ मैं नहीं कर पाता व्लॉग। अब देखते हैं आगे, मेरे हिसाब से हम उतर जाना है ऊपर को, इधर नहीं। ओ ऊपर से व्यू भी है क्या? अरे नवाब साहब आ गए आप, यहाँ लखनऊ के नवाब है। ये व्यू पॉइंट है, यहाँ से आप फोटो खिंचा सकते हो। डिसेंट सा व्यू आता है नैनीताल का। तो आज मैं आया हूँ, थोड़ा पीछे देख के कुछ कुछ लोगों को समझ आ जाएगा कि मैं कहाँ पर आया हूँ। बस मन करा था कि नैनीताल आए हैं और फिर अपने स्कूल ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज स्कूल आए अपने, पहले तो मेन गेट पे जो गार्ड थे, गार्ड दादा जी, उन्होंने मना कर दिया कि क्या कहते हैं कि नहीं अभी अलाउड नहीं है, प्रिंसिपल सर ने मना कर रखा है। तो मैं अपना आईडी कार्ड लेके आया था स्कूल का, तो मैंने कहा दादू थोड़ा अंदर को जान दो, आप बात कर लो प्रिंसिपल सर से, नाम बोल देना, नाम तो जानते ही होंगे। तो उन्होंने बोला अच्छा चलो मैं रुक जाओ बात करो। उन्होंने किसी से बात करी तो मना कर रहे थे, कह रहे कल आओ, मेरी कल को मेरा जाने का था। तो फिर उन्होंने बात करके किसी से, फैकल्टी से कोई होगा टीचर, उन्होंने बोला। तो मैंने कहा सर जाने दो, मैं यहाँ से फील्ड वन तक आ जाऊँगा, ऊपर नहीं, ऊपर जाने नहीं दिया, ऊपर मना कर दिया। तो बस फिर यही आया मैं, थोड़ा अभी GoPro लगा रखा है टाइम लैप्स के लिए। अगर ऊपर जाने देते तो मैं और अच्छा व्लॉग बनाता, मैं सीनियर स्कूल वगैरह यहाँ जाता, पर अब मौका नहीं मिला तो मैं जा नहीं सकता। तो मैंने सोचा इतना ही कर लेते हैं, तो अपना यही आ गए फील्ड वन में ही, अरे ताजा कर लेते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग, उसके लिए क्या होता था मॉर्निंग पीटी, पीटी नहीं मॉर्निंग वर्कआउट के लिए सुबह 6 बजे उठ के भागते थे, यहाँ नीचे आते थे, यहाँ बैठ गए अपना, यहाँ बढ़िया बैठ जाते थे जब तक हमारे सर नहीं आते थे। वो किरोला सर थे हमारे पीटी वाले, सुबह आते थे वो, फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते थे हमें वो। तो जब तक उनकी गाड़ी नहीं आती थी सारे बच्चे यहाँ लाइन से बैठे रहते थे, सारे बच्चे। जैसे वो आए सब ने अपनी लाइन वाइन बनाई, वहाँ पीटी वीटी करना चालू करी। यहाँ बच्चे 12th वाले फुटबॉल वगैरह खेलना चक्कर देते थे, पर ये तो खाली नहीं बैठने देते थे, मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ करना है, ये नहीं सीनियर हो गए तो तुम खाली बैठोगे, करना तो करना है, जरूरी करना है। तो बस यही है आगे बस। और अभी वहाँ पर था, वहाँ से ऊपर को गया था, समझ गए होगे आप वहाँ से ऊपर कौन जाता है, सब कर लिया भाई। अब इतने टाइम बाद स्कूल आए हैं, देखने के लिए चले आए हम नीचे से ऊपर। वो हमारा लोअर पवेलियन, अपर पवेलियन, बीच में स्विमिंग पूल, ऊपर वो पूरा सीनियर स्कूल है, ये ऑडिटोरियम है, यहाँ पर क्लासेस लगती है, वो चेस रूम, और वो पूरा क्वाड्रेंगल, और उससे ऊपर वो सीनियर
हाउसेज हैं, उससे पीछे को पूरा वो है जूनियर स्कूल, और ये जो है फील्ड नंबर वन है, इसको फील्ड नंबर वन कहते हैं, देख सकते हो आप, बहुत बहुत बड़ा फील्ड है। मतलब आई एम नॉट श्योर, बट जो बिरला का ये फील्ड नंबर वन है, ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट फील्ड है जो इतनी हाइट पे है। अब मैंने सुना है कहीं, मैं आई एम नॉट श्योर, मैं जब एडिट करूँगा तो गूगल करके मैं डाल दूंगा ब्लॉग में। तो बस यही है, वापस जाते वक्त अभी थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट्स भी डालूंगा, शूट करेंगे, और अपना ये टाइम लैप्स भी है। तो बस चलते हैं बिड़ला में, तो इतना ही बस। अभी फील्ड नंबर वन तक ही किस्मत रही आने को, इससे आगे अब जानी पाएंगे, तो बस अब यही है, चलते हैं आगे को। आप बिड़ला के सिनेमैटिक शॉट्स और हमारी बिड़ला की ठंडी चल रही है। पूरे नैनीताल के, अबे मैं वीडियो बना रहा हूँ, बीच में ऐसी रहो, ऐसी रहो तुम, इन दोनों के बीच में चल आयुष, इसके साइड एकदम साइड में चल, देख मैं कैसे चल, सुन देख मैं कैसे चल, जैसे वो पीछे जाएगा तो आ जाओ मेरे पास।